हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा ड्रेस मेकर। आज के इस वीडियो में हम बोट नेक का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाना सीखेंगे, जिसे आप अपने सूट, कुर्ती या ब्लाउज में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम लिया है, जिसकी चौड़ाई 12 इंच है। ये डबल फोल्ड है, तो उसका 6 इंच लिया है और इसके लंबाई 8 इंच है। अब हम अपने गले की ब्रॉडनेस लेंगे, यानी कि गले की चौड़ाई। यहाँ मैंने गले की चौड़ाई 4 इंच रखी है और गले की लंबाई भी 4 इंच रखी है। आप यहाँ पर बुकरम की जगह पेस्टिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गला आप अपने लंबाई या चौड़ाई के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा भी सकते हैं। निशान लगाने के बाद हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। इसको स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम अपने बोट नेक का शेप देंगे। यहाँ शेप दे दिए है। इसके बाद जहाँ से हमने 4 इंच लंबाई में गला लिया था, वहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच लेंगे। ये हमारा डिजाइन बनेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बुकरम लिया है। आप कागज हार्ड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसका बीच मिडिल सेंटर निकालेंगे। यहाँ मैंने मिडिल सेंटर निकाल लिया 1 इंच, और मिडिल सेंटर से अंदर की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 0.75 पर हमें एक निशान लगाना है और इन निशानों को हमें तिरछा मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का डिजाइन बनकर रेडी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड वाले जहां हमने बुकरम फोल्ड करा वहां पर हम इसको निशान लगा लेंगे। जैसे हमने कटिंग करी है वैसे ही हमें निशान लगाना है, और फोल्डिंग वाली साइड से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और अपने इस पैटर्न को खोल देना है। खोलने के बाद हमें इसे दोबारा से इस पर सेम ऐसे ही निशान लगाना है। फिर इसके बाद फिर हमें जहाँ से हमने दूसरा निशान लगाया था वहीं से 2 इंच आगे की तरफ लेना है और इस पर सेम ऐसे ही पैटर्न ड्रॉ कर लेना है। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब हम 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इस पर एक राउंड शेप दे देंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारा जैसे शेप बनी हुई है, हमें सेम ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी डिजाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ट्राउजर बॉटम के डिजाइन सीखना और देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डिजाइन की कटिंग करने के बाद यहाँ मैंने सेम मैचिंग का कपड़ा लिया है। हम इस डिजाइन को उस कपड़े पे पेस्ट कर देंगे और इस डिजाइन को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इस डिजाइन को रेडी कर लिया है, अंदर से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपना एक 20 सेंटर का निशान लगाएंगे। ये मेरी टाप्टा सिल्क की कुर्ती है जिसपे कि ये डिजाइन बनेगा। हम अपनी इस कुर्ती पे भी एक निशान लगाएंगे 20 सेंटर का, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे 20 सेंटर में। तो अब हमें अपने इस डिजाइन पे सिलाई लगानी है। तो हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। हमारे जैसे ये डिजाइन बने हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए जाना है। ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमारा ये डिजाइन बेकार हो जाएगा। तो बस बुकरम को ध्यान में रखते हुए आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है पूरे डिजाइन पर। पूरे पैटर्न पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस डिजाइन की कटिंग करनी है। तो हमें 1/2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा छोड़ते हुए इस डिजाइन की कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कटिंग करने के बाद अब हमें अपने इस पैटर्न को सीधा कर लेना है। तो यहाँ मैंने कैंची की हेल्प से इस पैटर्न को सीधा कर लिया है। आप पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नोक निकालने के लिए। सीधा करने के बाद अब हमें अपने इस पैटर्न पर प्रेस कर लेनी है
तो यहाँ मैंने प्रेस कर ली है। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो आप इसके किनारे किनारे सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके पीछे वाले भाग पे आप तुरपाई कर सकते हैं या आप नॉर्मल सिलाई भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी। यहाँ मैंने गोल्डन कलर के मोती लिए हैं, आप वाइट कलर के मोती भी ले सकते हैं। मोती लगाते वक्त आपका धागा बाहर की तरफ ना दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ बुकरम के अंदर से सुई को पिरोया है और इन मोतियों को लगाया है। आप भी इस तरह से इन मोतियों को लगा सकते हैं ताकि आपका धागा बाहर की तरफ ना दिखे। अगर आप ये शेप नहीं बनाना चाहते तो आप इस पर राउंड शेप भी बना सकते हैं। बोट नेक के डिफरेंट शेप कैसे बनाते हैं, बुकरम पे कैसे कटिंग करते हैं, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लास्ट में इसका एंड स्क्रीन लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उसको देख सकते हैं। इस तरह से पूरे इस नेक पर आपको मोती लगा लेने हैं। मोती लगाने के बाद देखिए ये नेक बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस वीडियो को देखकर आसानी से इस नेक को बनाना सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।